हेलो एवरीवन मैं इंजीनियर मासूम सर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में देखिए मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ मेरे आने का कुछ मकसद है मैं आप लोगों को आज कुछ मैसेज देना चाहता हूँ मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कुछ मैसेज देने के लिए आया हूँ मेरा मैसेज आपसे यही है आज मेरे यूट्यूब चैनल में कुल एक हज़ार चालीस जुड़ चुके हैं गाने का मतलब यह है आज मेरे यूट्यूब फैमिली में मेरे परिवार में वन के से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं मात्र एक माह के अंदर में जो कि बहुत बड़ी बात है और इस बहुत बड़ी बात के पीछे क्या राज है क्या रहस्य है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा देखिए इसका राज और रहस्य कुछ भी नहीं है केवल हार्डवर्क कड़ी मेहनत है बी पॉजिटिव एंड कीप हार्डवर्किंग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और मेहनत करने पर भरोसा रखें यही आपकी सफलता की राज है और कुछ नहीं मेहनत से हर कुछ संभव है सिर्फ आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट रखें पॉजिटिव रखें हमेशा और हार्ड वर्क करने पर कड़ी मेहनत करने पर भरोसा रखें आप ज़रूर सक्सेस होइएगा तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त हैं मेरे चाचा चाची हैं मामा मामी हैं काका काकी हैं दादा दादी हैं जो कोई भी हैं मैं हर एक को तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ तहे दिल से शुक्रिया है उनको बार बार मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ क्योंकि सब आप ही लोग का सपोर्ट है कि आज मेरे यूट्यूब फैमिली में मात्र एक माह के अंदर में वन के से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं इसका सारा श्रेय आप लोगों को ही जाता है जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मात्र एक माह के अंदर में मैंने अपना वन के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसका श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ फिर से मैं एक बार आप लोगों को जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो नहीं भी जुड़े हुए हैं मैं सब किसी को शुक्रिया बोलता हूँ देखिए और एक बात मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो लोग मुझसे जब मिलते हैं देखते हैं कि मेरा वन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है तो बोलते हैं कि सर पार्टी कब दे रहे हैं बोलते हैं कि सर पार्टी कब दे रहे हैं देखिए तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कोई बंदा अभी हमसे ऐसा नहीं मिला जो हमसे पूछे कि सर आप इतना जल्दी वन के कंप्लीट कर लिए अपना इसका पीछे क्या राज्य है या आपको कितना मेहनत लगा मेरा मेहनत को कोई नहीं देखता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत किया मेहनत कोई नहीं पूछना चाहता है सिर्फ सफलता देखता है पार्टी चाहिए और कुछ नहीं कोई बंदा ऐसा आके मुझसे पूछा पूछता कि सर आपने वन के कम्प्लीट कर लिया मात्र एक माह के अंदर में इसके पीछे क्या रीज़न है वो मेरे मेहनत को जानता है मेरे मेहनत को देखता है कि मैंने कितना मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए वन के प्राप्त करने के लिए तब उन लोगों को समझ में आती जी मैं ईमान जी मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता दे रहा हूँ इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया मैं हमेशा पॉजिटिव बना रहा और मेहनत करते रहा और मात्र एक माह के अंदर में मैंने ओवन के कम्प्लीट कर लिया जो बहुत बड़ी बात है और मैं आप लोगों के लिए सॉरी मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बोलता हूँ और एक बात देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो मेरा माइंड में तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि मुझे मैं यूट्यूब ज्वाइन किया हूँ पैसा कमाने के लिए सब किसी का अपना अपना माइंड होता है लेकिन मेरा माइंड तो नहीं है ऐसा कि मैं यूट्यूब ज्वाइन किया हूँ पैसा कमाने के लिए कितना बंदे ये भी पूछते हैं कि सर अभी आप कितना पैसा मिल रहा है आपको यूट्यूब से तो मैं तो पैसा के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ देखिए मेरा यूट्यूब से जुड़ने का कारण यह है अभी कोरोना जैसे महामारी से पूरा यहाँ पे देश विदेश सभी जगह तबाही तबाही मचा हुआ है और इसमें कोचिंग संस्थान भी सब बंद पड़े हैं तीन माह से और उनका खुलने का भी कोई उम्मीद भी नहीं है तो इसमें मैं सोचा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से लड़कों बच्चों का हेल्प कर पाऊँ इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया मात्र एक माह पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया और मैंने वीडियो बना इस्टार्ट किया जो लोग भी बेरोज़गार हैं गरीब हैं पढ़ने के लिए इधर उधर नहीं जा सकते हैं तो मैं उनके लिए आया हूँ यहाँ पे मैं उनके लिए वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो लोग देखेंगे इसका फ़ायदा उठाएंगे दिल से हमको दुआ देंगे यही मेरे लिए बहुत बात है मैं इसी के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ ये यूट्यूब चलिए आपके लिए मेरा यही मैसेज था मैं अभी अपने गांव से बाहर निकला हुआ हूँ जब कभी भी शाम होता है तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ टहलने के लिए देखिए मैं आप लोग को यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ ठीक है मेरा मैसेज आप लोगों से यही है ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखिए थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे देखिए ये मेरे गांव का लोकेशन है मैं इधर ही डेली शाम को घूमने आता हूँ इधर सब बच्चे भी घूमने आते हैं ये मेरे गांव में एक रेलवे लाइन गुजरी है एक छोटा सा स्टेशन भी है ये मेरे गांव का देखिए लोकेशन है ये सब मैं डेली शाम में इधर ही घूमने आता हूँ बहुत अच्छा इधर की हवा चलती है